पहले जो है हमारे चैनल पर SH केलकर परफ्यूम से रिलेटेड कुछ वीडियोस अपलोड की हुई थी, जिसमें जो है परफ्यूम के जो कुछ रिव्यूज और जो है प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग से लेकर और कुछ डिटेल्स वीडियो हमने अपलोड की हुई थी, जिसमें कस्टमर्स को वीडियो देखने के बाद काफ़ी सारी जो है बातें हुई और काफ़ी सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से जो है क्वेश्चन किया कि डाइल्यूशन इसमें क्या आएगा, क्वालिटीज़ SH केलकर परफ्यूम्स में क्या रहेंगी, कैसी रहेंगी, क्योंकि ज़्यादातर ये जो SH केलकर जो प्रोडक्ट्स हैं वो हर एक जगह पे हर एक मार्केट्स में अवेलेबल नहीं होती, और काफ़ी टाइम के बाद हमने काफ़ी कोशिशों के बाद ये प्रोडक्ट जो है हमने कोशिश की कि जल्दी से जल्दी लोगों तक अवेलेबल हो, जो कि पॉसिबल हुआ। डाइल्यूशन क्या होगा और प्रीमियम क्वालिटी के लिए रेशियो हम क्या दे सकते हैं, और उसके बाद जो है कुछ ऐसे और क्वेश्चन थे जिसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। और टॉपिक में बात करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगरबत्ती बिजनेस से रिलेटेड ऐसी कुछ इंक्वायरीज और ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो है हमारे चैनल के थ्रू आपको मिलती रहेंगी, तो चैनल प्लीज आप सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। अब जो है बात करते हैं हम अपने टॉपिक्स के ऊपर। जिस तरीके से पिछले वीडियोस में हमने जो है प्रोडक्ट के डिटेल्स, रिव्यूज या फिर अनबॉक्सिंग्स के वीडियोस जो है आपने देखे होंगे, सो फिर आज के इस वीडियो में जो है बेसिक डाइल्यूशन प्रोसेस और जो है कुछ क्वालिटीज और कुछ परफ्यूम की बेसिक डिटेल्स के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। सो फिर आप वीडियो पूरा ज़रूर देखिए और इसके बारे में कुछ डिटेल्स जानने की जो है कोशिश करें। सो फिर सबसे पहले हम बात करेंगे डाइल्यूशन को लेकर कि किस परफ्यूम में कितना कितना डाइल्यूशन रेशियो जो तोड़ने का होता है उसे आप कर सकते हैं, और कुछ परफ्यूम्स के बेसिक डिटेल्स भी अभी जो है बात कर लेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं एक प्रोडक्ट लेता हूँ, तो ये है हमारे पास डिवाइन। मैं बोलूँगा तो अभी के टाइम पे वीडियोस देखने के बाद सबसे अच्छा किसी प्रोडक्ट का रिव्यू आया हुआ है तो ये है हमारे पास डिवाइन प्रोडक्ट, जो कि लोगों को काफ़ी अच्छा पसंद आया और काफ़ी सारे लोगों के जो है रिपीटेड ऑर्डर भी इसके आने लग गए, और ये वन ऑफ द बेस्ट अभी के टाइम पे जो सेलिंग प्रोडक्ट मैं कहना चाहूँ तो ये है हमारे पास डिवाइन। डिवाइन बेसिकली एक अच्छा फ्लेवर है और थोड़ा सा स्वीट फ्रेगनेंस इसमें से निकल के आता है। सो फिर उसमें प्रीमियम क्वालिटी के लिए आप 5:6 का रेशियो देके इसे आप आराम से बना सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और इसका डाइल्यूशन 5:6 में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देगा, चाहे आप वाइट स्टिक्स यूज़ करें, कलर स्टिक्स यूज़ करें या फिर ब्लैक स्टिक्स, ये तीनों तरह के की अगरबत्तियों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सो ये हो गया हमारा डिवाइन। दूसरा प्रोडक्ट मैं बोलूँ तो ये है हमारा विंटेज। विंटेज बेसिकली अभी के टाइम पे मैं बोलूँ तो ये एक नया प्रोडक्ट है, और नया प्रोडक्ट के साथ साथ ये इसका जो फ्लेवर्स है बेसिक, इसका जो टोन मैं बोलूँ, सो इस टाइप के प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। अभी हाल ही फिलहाल जो है ऑफिस से इनके बात हुई, जो केलकर हेड ऑफिस है, सो उनका कहना भी यही था कि ये प्रोडक्ट जो है थोड़ा नया है, और इसका जो डाइल्यूशन जो है एक बेसिक रेंज के हिसाब से, मतलब ये प्रोडक्ट जो है थोड़ा सस्ता प्रोडक्ट है, मतलब आप 1000 रुपीज़ केजी का आप मान सकते हैं। सो इसमें जो है इस रेंज के हिसाब से इसमें डाइल्यूशन काफ़ी अच्छा है, 4-5 एवरेज प्रीमियम क्वालिटी के लिए आप दे सकते हैं। बाय द वे आपको अपने तरीके से जो है डाइल्यूशन बढ़ाना हो या कम करना हो तो वो भी कर सकते हैं। ये मेरा रिकमेंडेड है, जो मैंने कुछ ट्रायल किए और कुछ जो बेसिक चीज़ें मुझे लगी, सो मैं उनके हिसाब से ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। सो 4-5 तक विंटेज को आप आराम से कर सकते हैं। आगे हम बात करें तो ये है हमारे पास हिमालयन प्रोडक्ट। हिमालयन बेसिकली जो है थोड़ी सी ठंडकता, मतलब मन को शांत करने वाली एक मीठी खुशबू जो है, इसे आप ले सकते हैं और मान सकते हैं बेसिकली। और इसमें जो है डाइल्यूशन मैं बोलूँ तो 5-6 एवरेज ये कवर करेगी प्रीमियम क्वालिटी के लिए। जैसे कि अभी मैंने बताया जो डिवाइन में प्रोसेस ब्लैक व्हाइट कलर के लिए आप निश्चिंत होकर इसे आप यूज कर सकते हैं, और बेटर रिजल्ट के लिए 5-6 एवरेज जो है डाइल्यूशन आप दे सकते हैं। अगला जो है हम बात करेंगे तो ये हमारे पास जो है भारतवासी वीवी, जो कि
मैं बोलूंगा तो अभी के टाइम में जो भारतवासी की ये जो प्रोडक्ट है इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और एक यूनिक फ्रेग्रेंस जैसे भारतवासी का है, आप जैसे जानते होंगे मार्केट में काफ़ी नाम जो है चलता है। सो क्वालिटीज़ भी इनकी काफ़ी अच्छी है और जो है इस प्रोडक्ट अगर मैं डाइल्यूशन बोलूँ जो कि हमारा भारतवासी प्रोडक्ट है तो इसका अप्रॉक्स 6 से 7 रेशियो तक आराम से आप कर सकते हैं और इस रेशियो में भी ये अच्छा प्रीमियम क्वालिटी आपको बिल्कुल देगी। तो ये भी हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है भारतवासी, तो 6-7 तक का रेशियो आराम से ये आप लेके बना सकते हैं प्रीमियम क्वालिटी के लिए। आगे मैं बोलूँ तो ये हमारे पास पैराडाइज प्रोडक्ट, एक नया प्रोडक्ट है ये भी, और देखा जाए तो इसमें भी थोड़ी सी जो फ्रैगनेंस की लास्टिंग है वो काफ़ी अच्छा है। प्रोडक्ट जो है काफ़ी अच्छा आपको डीपिंग प्रोसेस करने के बाद अच्छा रिजल्ट देगा और इसका भी डाइल्यूशन आप एवरेज 6-7 तक आराम से आप कर सकते हैं प्रीमियम क्वालिटी के लिए। बाय द वे आप अपने तरीके से प्रोडक्ट बनाना चाहो तो क्वालिटीज ऊपर या नीचे आप कर सकते हो निश्चिंत होके। तो ये है पैराडाइज। और इसके बाद जो है कुछ सेकेंड सीरीज के जो प्रोडक्ट हैं इसके डाइल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो ये है मोगरा, फूलों का राजा जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि फ्लावरी फ्रेग्रेंस में सबसे पहला नाम आता है मोगरा का, क्योंकि ये ऐसा ही एक ऐसा प्रोडक्ट है कि हर लोग इसको पसंद करते हैं। मोगरा आप जानते होंगे, कोई छोटा बिजनेस वाले हो, अगरबत्ती बिजनेस से जुड़ा हो, चाहे छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा हो, सबको मोगरा जो है पसंद है। और जिस तरीके से लोगों के घरों में ये जो है खुशबू छोड़ती है तो इसका नाम ही कुछ अलग है। अभी जो मोगरा प्रोडक्ट हमारा है ये थोड़ा सा मीडियम रेंज का प्रोडक्ट है और इसका डाइल्यूशन 3-4 तक प्रीमियम क्वालिटी के लिए आप दे सकते हैं और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, लोगों का काफ़ी रेंज के हिसाब से अच्छा लगा। रोज़ भी फ्लावरी में सबसे ज़्यादा नाम आता है और रोज़ को काफ़ी सारे लोग जो है पसंद करते हैं। और इसी रोज़ की अगर मैं डाइल्यूशन के बारे में बात करूं तो अप्रोक्स इसको अच्छा प्रीमियम क्वालिटी बनाने के लिए आप इसे 5-6 का रेशियो दे सकते हैं। 5-6 के रेशियो में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको ये दे देगा। तो ये है हमारे पास रोज़ का प्रोडक्ट। आगे हम बात करेंगे तो फ्रूटी नोट्स में जो है सबसे ज़्यादा नाम चलने वाला ये है हमारे पास पाइनएप्पल। पाइनएप्पल जानते होंगे और ये जो है काफ़ी बूस्टिंग परफ्यूम्स होता है पाइनएप्पल। बाय द वे आप फ्रूट्स खाते होंगे, पाइनएप्पल का जो फल है वो आप खाते होंगे तो देखेंगे कि उसमें भी एक बहुत ज़्यादा मीठी खुशबू जो है आपको टेस्ट के हिसाब से देखने को मिलेंगी। सो उसी टाइप के फ्लेवर्स इस पाइनएप्पल में आने वाला है और जो है रेशियो की बात करूं तो रेशियो भी काफ़ी अच्छा इसको आप दे सकते हैं। 7-8 का रेशियो आप आराम से इसमें कवर कर सकते हैं प्रीमियम क्वालिटी के लिए। बाय द वे 7-8 के रेशियो में भी एक बहुत अच्छी क्वालिटीज मेंटेन करके रखेगा। फ्रेग्रेंस आराम से आपका 6-8 मंथ तक ये लूज नहीं होगा अकॉर्डिंग आपके रॉ मटेरियल्स के बेस पे। डीपीज ऑयल और रॉ अगरबत्ती की क्वालिटी सही होनी चाहिए और ये आपकी क्वालिटी जो है बरकरार रखेंगी। तो ये कुछ इस तरीके से जो है पाइनएप्पल का प्रोडक्ट है। डाइल्यूशन 7-8 तक आप आराम से इसे कर सकते हैं। सैंडल देखा जाए तो सैंडल की काफ़ी सारी वैरायटीज आती हैं, उन्हीं में से कुछ एक मीडियम रेंज का सैंडल हमारे पास है और इसमें से मैसूर सैंडल हो गया या फिर रेड सैंडलवुड हो गया, तो ऐसे कुछ और प्रोडक्ट्स हमारे पास जो है आने वाले हैं। सो फिलहाल अभी हमारे पास है एक मीडियम रेंज का सैंडल परफ्यूम्स और ये जो है रेंज के हिसाब से भी क्वालिटीज इसमें बहुत अच्छी हैं। रेशियो की बात करूँ तो 3-4 का रेशियो आप दे सकते हो, अंदर 1000 तक का ये केजी के बेस में इसकी प्राइस हो जाती है और क्वालिटीज ठीक है, 3-4 का रेशियो आप लेके इसे बना सकते हैं। अगला प्रोडक्ट मैं बोलूँ तो ये हो गया हमारे पास लैवेंडर। लैवेंडर जो है काफ़ी सारे लोग पसंद करते हैं और लैवेंडर काफ़ी अच्छा परफ्यूम मैं मानता हूँ और जो है इसकी क्वालिटीज काफ़ी अच्छी है। जो लैवेंडर का एक बेसिक नोट्स जो होता है ना वो आपको इसमें से देखने को मिलेगा। रेशियो मैं बोलूँ तो 5-6 एवरेज आप इसमें कवर करके बना सकते हैं। बाय द वे आपको ये डाइल्यूशन कम या ज़्यादा करना हो तो वो भी कर सकते हैं। मेरा रिकमेंडेड है
कि जो मैंने चीज़ें यूज़ की थी और जो मेरे को जो रिजल्ट इसमें से मिली उसके हिसाब से चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस लेवेंडर को आप 5-6 तक एवरेज जो है कवर करके बना सकते हैं। सो फिर यही था कुछ डाइल्यूशंस की वीडियोस जो कि आप इस तरीके से जो है इसको मेंटेन करके बना सकते हैं। बाय द वे आप अपने अकॉर्डिंग से क्वालिटीज़ को मेंटेन के लिए कुछ जो है डाइल्यूशन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ डिपेंड ये होगी कि डाइल्यूशन तो मैंने बता दिया कि इस डाइल्यूशन में आप प्रोडक्ट जो है बना सकते हैं। बाय द वे इसके केस में आपका डीपी ऑयल में अगर कुछ कमी रह चुकी होंगी या फिर क्वालिटीज अच्छी नहीं हो डीपी ऑयल की तो प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी चीज़ हमारा होता है रॉ मटेरियल, जो कि मैं बोलूँ तो रॉ अगरबत्तीज हो गई और रॉ अगरबत्ती में जो यूज़ होने वाले मटेरियल्स हैं सब मटेरियल्स, जैसे ब्लैक अगरबत्ती के लिए मैं बोलूँ तो चारकोल सॉडस्ट जोस पाउडर्स या फिर गुआर गम से लोग यूज़ करके बना, तो क्वालिटी डिपेंड करेगा आपके डीपी ऑयल के बेस क्वालिटी को लेकर और दूसरी चीज़ आपके रॉ मटेरियल जो रॉ अगरबत्तीस हैं उसकी क्वालिटी को लेकर। और सो फिर एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें, जब भी आप डीपिंग का प्रोसेस करें तो डीपी ऑयल की क्वालिटी से एक बार आप ज़रूर चेक कर लें, उसके बाद जो है आपकी रॉ अगरबत्ती वो उसकी क्वालिटी जो है सही होनी चाहिए। बाय द वे ये दोनों चीज़ें अगर आपकी अच्छी रहेंगी तो क्वालिटीज़ कहीं नहीं जाएंगी, ये मेरी 100% गारंटी है। 6 से लेके 8 मंथ तक आपका प्रोडक्ट कुछ भी तरीके से फ्रेगनेंस लेस होने का या फिर किसी भी तरीके से गंदी स्मेल आने का प्रोसेस नहीं होगा, 6 से 8 महीने तक खुशबू बरकरार रहेंगी। सो ये था डाइल्यूशन के कुछ वीडियोस जिसमें मैंने कुछ चीज़ें आपके बीच क्लियर की कि किस किस प्रोडक्ट को आप किस तरीके से डाइल्यूशन दे सकते हैं। सो आज की इस वीडियो को मैं करता हूँ यहीं तक ख़त्म। आने वाले वीडियोस में